ओम शांति। 23 सितंबर, साकार मुरली। मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। प्रश्न, इस समय मनुष्यों की नजर बहुत कमजोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? उत्तर, बाबा कहते, उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाए। यह गोले का, सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। प्रश्न, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? उत्तर, यह नेचुरल कलमिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। ओम शांति। गायन भी है, बाप से एक सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति, और तो सब है जीवन बंध में। यह एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है, बस यही मुख्य है। यह बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सके, क्योंकि अभी सबकी नजर कमजोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, गोया शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, जुंजार है। बाप समझाते हैं, कोई को भी शॉर्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं, सर्विस करने लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं है। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्पवृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है, यह भी अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब आ जाता है और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। यही दो चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हो, लिखत भी हो। जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है। होवनहार विनाश के पहले विनाश भी जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार आपे ही सब समझ जाएंगे। तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। बेहद के बाप से बेहद का यह वर्षा मिलता है, यह तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया तुमसे भुला देती है, समय बीतता जाता है। गायन भी है ना, बहुत गई। इनका अर्थ इस समय का ही है, बाकी थोड़ा समय ही रहा है। स्थापना तो हो ही रही है, विनाश में थोड़ा समय है, थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। विचार किया जाता है, फिर क्या होगा? अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे। आंखें बड़ी होती जाएगी, या आंखें नहीं बुद्धि की आंख। छोटे छोटे चित्रों से इतना मजा नहीं आता है, बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद देती है, विनाश में तत्व भी मदद करते हैं। बिगर कौड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाई कर देते हैं। यह बिल्कुल छी छी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, यहाँ देलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है। परंतु कुछ समझ थोड़े ही सकते हैं, अबे तुम समझदार बने हो। भल मनुष्य कहते हैं, हम नहीं जानते
कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया, नहीं मानते थे। एक दिन सब गाय खा गया। तुम भी कहते रहते हो, ये पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई, थोड़ी रही। ये सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारणा करती है, बाप की भी आत्मा में ज्ञान है। वह जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं। जरूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है। वह सारे सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं, अपने को तो जानते हैं ना। और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। तुम यह जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल, या अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सबके बुद्धि में एकरस धारणा होती है, भल लिखते भी हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, नाम मात्र लिखते हैं। बता किसको भी नहीं सकेंगे, सिर्फ कागज को बताते हैं। कागज क्या करेंगे, कागज से तो कोई समझेंगे नहीं। इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे, बड़े ते बड़ी नॉलेज है, तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़े ते बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे, इनमें जरूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना, यह है गॉड फादरली बर्थराइट, हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंद में है, इन्हें जीवन बंद से जीवन मुक्त में कैसे ले जाए। पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। यह चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए। मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हो तो मनुष्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए हैं। जरूर कुछ नॉलेज है तो जहां तहां तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हो तो पूछेंगे यह क्या है। बोलो इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझने के लिए बनाए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, बेहद का वर्षा इन्हों को था। कल की बात है, आज वह नहीं है, क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति पूज्य और पुजारी का खेल है ना, आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए, सर्विस का भी शौक चाहिए। दिल्ली में तो कोने कोने में सर्विस करनी है, मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहां तुमको ये चित्र ही काम में आएंगे। त्रिमूर्ति गोला यह है मुख्य, यह बहुत अच्छी चीज है। अंधे के आगे जैसे आईना है, अंधों को पढ़ाया जाता है। पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं, फिर वह सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा यह ड्रामा का चक्र है। इतने सब धर्म हैं, कैसे कैसे नंबरवार आते हैं फिर चले जाएंगे। वहां तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। बाप के साथ
योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएंगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग अर्थात याद। बाप भी कहते हैं मुझ बाप को याद करो, यह कहना पड़ता है। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता है कि मुझे याद करो। बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं, वह है लौकिक मात पिता। यह है पारलौकिक, जिसका गायन है तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। जिसको दुख है वही गाते हैं, सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती। दुख में है तब पुकारते हैं, अभी तुम समझ गए हो ये मात पिता है। बाप कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या कि मात पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो, पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को एडप्ट करना है। यह बात किसके भी ध्यान में नहीं आएगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया फिर भल कहां भी जाओ, विलायत में जाओ। 7 रोज कोर्स किया तो बहुत है, बाप से तो वर्षा लेना ही है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यह लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर भल कहां भी जाए। सारा ज्ञान गीता का इस बेच में है। कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से वर्षा लेना है तो जरूर बाप को याद करना है। तुमने यह वर्षा बाप से अनेक बार लिया है। ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई न कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धियोग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना। इनके भी आत्मा पढ़ती है। टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना है। बाप और वर्षे को याद करना है। देवी गुण भी धारण करने हैं। जितना धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा उच्च बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। मंत्र लेकर सब आते हैं। तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है। नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं सो तो अपने लिए ही करते हैं। इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है। कोई गोले व टैंक आदि तो खरीद नहीं करने हैं लड़ाई के लिए। कुछ भी नहीं है। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। इसको कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बात है। इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं है। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में नोंद हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए यह नेचुरल कैलामिटीज है। गायन भी है ना, अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं। कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप आ जाता है। यह भारत तो अलग कोने में है, बाकी सब खलास हो जाने हैं। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजयी पाते हो।
पवित्र भी बनना है इन लक्ष्मी नारायण जैसा। वहां क्रिमिनल आई ही नहीं, आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नजदीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, तो खुशी होती है। अब आकर पहुंचे हैं अपने घर के नजदीक, तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुखधाम आएंगे। बाकी थोड़ा समय है, स्वर्ग से विदाई लिए कितना समय हो गया है। अब फिर स्वर्ग नजदीक आ रहा है, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर। वह है निराकारी दुनिया, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहां के रहने वाले हैं। यहां 84 का पाठ बजाया, अबे हम जाते हैं। तुम बच्चे हो ऑलराउंड, शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। देरी से आने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हो। एक जन्म तक भी है, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापस। नाटक पूरा हुआ, खेल खलास। अब बाप समझाते हैं, मुझे याद करो, अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप के पास परमधाम में चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुखधाम। यह है दुखधाम। ऊपर से हर एक सतो प्रधान फिर सतो रज्जो तमो में आते हैं। एक जन्म होगा तो उसमें भी इन चार स्टेजेस को पाएंगे। कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं, फिर भी याद नहीं करते, बाप को भूल जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ की रुद्रमाला है, बेहद के विश्व की यह माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो। यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल्प फिर आता है रावण, डेटिज्म फिर इस्लामिज्म। आदम बीबी को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था। बच्चों को खुशी तो बहुत होनी चाहिए। बेहद का बाप ऊंचे ते ऊंच भगवान, ऊंचे ते ऊंच पढ़ाते हैं, ऊंचे ते ऊंच पद मिलता है। सबसे ऊंच ते ऊंच टीचर हैं बाप, वह टीचर भी है। फिर साथ ले जाएंगे तो सतगुरु भी है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा, खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद से ही तुम माया जीत बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीलत दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है। सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंद से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। दूसरी पॉइंट, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और देवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान अथॉरिटी बन, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियां प्राप्त है, वह जैसी परिस्थिति जैसा समय
और जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती है, अभी अभी शीतला के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्वशक्तियां तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी है। स्लोगन स्वपुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहां हिम्मत है वहां सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।